Hi guys, welcome back to my channel, The Blue Haired Girl. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक. ये मैंने पूरी कोशिश की मैं बिगिनर फ्रेंडली रखूँ, तो इसमें कोई ब्रशेज नहीं होंगे. दूसरा, मैंने मिनिमम प्रोडक्ट यूज किया ताकि आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़े. तो ये स्टूडेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट के लिए मेकअप लुक हो सकता है, क्योंकि बहुत पॉकेट फ्रेंडली भी, क्योंकि ज्यादा सामान मैंने यूज नहीं किया इसमें. अगर आपको जानने में कोई भी इंटरेस्ट है, ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है और ये एवरीडे आप वेयर करके भी जा सकते हो, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, वीडियो एंड तक देखिएगा. ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड उसके बगल में बेल आइकन आएगा, उसे भी हिट कर दीजिएगा. ऑल्सो अगर आपके कुछ भी ऐसा कुछ मेकअप वगैरह का सजेशन या रिक्वेस्ट या कुछ भी है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. ऑल्सो मैंने जितनी भी चीजें यूज की है उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. So make sure to do check that up. So without any further ado, let's get into the video. सबसे पहले मैं आईब्रोज फिल करने वाली हूँ एंड यू माइट हियर सम नॉइजेस, क्योंकि मेरे घर के पास ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है. आई कांट हेल्प इट, प्लीज बेयर विद मी, प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. सबसे पहले मैं अपना आईब्रोज फिल करूंगी एंड उसके लिए मैं लेने वाली हूँ मेरा हिलरी डोडा का आईब्रो पेंसिल. स्कूली से अपने हेयर को, आईब्रोज हेयर को ब्रश करूंगी एंड देन उससे फिल करूंगी. लाइक यू कैन सी, मैंने बहुत नेचुरली फिल किया है. लाइक ऐसा भी नहीं है कि मैंने अलग से लाइन ड्रॉ करके इक्वली किया है, उस तरह से नहीं है. नेक्स्ट मूविंग ऑन, तो कंसीलर यूज करेंगे, क्योंकि कंसीलर से क्या होता है, आपका जितना भी एक्स्ट्रा वगैरह जो भी आपका स्किन टोन है, जहां पे भी आपको ऐसा कुछ फ्लॉज दिखते हैं, वहां पे अपना कंसीलर लगा सकते हो. उससे क्या होगा, आपका स्किन थोड़ा सा नेचुरल हो जाएगा, फिर थोड़ा सा फ्लॉलेस जैसा हो जाएगा. तो कंसीलर के मैं यूज करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर. मैं आईलेट से प्लेस करूंगी एंड अंडर आईज पे थोड़ा सा, एकदम भर के नहीं लगाना है, नहीं तो फिर आपका थोड़ा अजीब सा हो सकता है, फेस अलग दिख सकता है. मैंने आउटर इनर कॉर्नर पे हमने देखा है थोड़ा लगाया है एंड आउटर कॉर्नर पे थोड़ा लगाऊंगी. सेम चीज मैं दूसरे आंख में करूंगी. देन जहां जहां मुझे थोड़ा पिगमेंटेशन वहां लगाऊंगी, जैसे मैं माउथ एरिया के अराउंड. अब मैं अपने फिंगर्स से ब्लेंड करूंगी. एंड आईज के लिए जाते हैं तो आपको रिंग फिंगर लेना. मैंने कंसीलर लगा लिया है, तो पाउडर लाइन से पहले मैं सबसे पहले क्रीम प्रोडक्ट सारा जितना भी आपको लगाना है फेस पे तो वो लगाऊंगी. तो इसलिए मैं क्योंकि आपके पास अब लिप टिंट होता नहीं है, आप नॉर्मली लिपस्टिक अगर खरीदते हो तो आपको ऐसा कोई लिपस्टिक लेना है जो कि बहुत लाइट पिंकिश कलर का हो, ज्यादा लाइट भी नहीं. जैसे मेरे पास ये मेबेलिन का रिबेल बुक के लिपस्टिक है, लाइक यू कैन सी. तो इसे मैं एज अ ब्लश और एज अ लिप टिंट भी यूज करूंगी. तो सबसे पहले मैं अपने बैक ऑफ द हैंड पे इसे थोड़ा सा घिस लूंगी. लेने के बाद आप इसे लाइक मैंने अपने ले लिया बैक ऑफ द हैंड पे एंड मैं इसे थोड़ा सा रब करूंगी ताकि अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. एंड देन मैं अपनी चीक से प्लेस करूंगी. नेक्स्ट आप चाहे तो ये स्टेप कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं. मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा हाइलाइटर काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो इसलिए मैं हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ. एंड मैं लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करूँगी, क्योंकि लिक्विड हाइलाइटर आपको उतना बहुत सटल टाइप का ग्लो देता है, एक वेट काइंड ऑफ फिनिश देता है. तो इसलिए मैं यूज़ करने वाली हूँ आज वेट एंड वाइल्ड का हेलो हेलो. अगेन इसे भी मैं अपने बैक ऑफ द हैंड पे थोड़ा सा लूंगी. देन सेम इसे भी अपने फिंगर्स से थोड़ा सा अमाउंट लेके अपने हाइएस्ट पॉइंट से प्लेस करूंगी, लाइक चीक बोन्स. जब द नोज एंड नोज टिप पे थोड़ा सा प्रेस करके दूसरे फिंगर से ब्लेंड करेंगे. इतना सैचुरेटेड ग्लो आया है, लाइक बहुत अंदर सिनर वाला ग्लो आया है, ऐसा नहीं लगा कि आपने कुछ ऊपर से लगाया. तो नेक्स्ट ये था. अब सेट करेंगे अपने फुल फेस को पाउडर से. तो पाउडर का मैं यूज करने वाली हूँ मेरा मेबेलिन का फिट मी का पाउडर. मैं पर्सनली ड्राई स्किन की हूँ, बट स्टिल मुझे ऐसे नोज पे बहुत ज्यादा ड्राई होता है, तो मैं नोज पे नहीं सेट करूंगी. बाकी जहाँ मैंने
जहाँ पे मैंने क्रीम प्रोडक्ट्स लाया वहाँ पे मैं सेट करूँगी। तो इसी का स्पंज उसके साथ जो आता है पफ, उसी को लेके सेट करूँगी। सबसे पहले अपने अंडर आईज वगैरह को सेट करूँगी। नेक्स्ट जो मैंने आईब्रो पेंसिल यूज किया था मैं उसी को लेके उसका पेंसिल टिप लेके अपने आईलिड्स के लैश लाइन के पास क्लोजली अप्लाई करूंगी ताकि वो थोड़ा सा एक डेंसिटी मिल जाए आंख को। मैं आपको एक आंख में अप्लाई करके दिखाती हूँ कैसा दिखता। मैंने अप्लाई कर लिया, मैं इसे ब्लेंड करूंगी हल्का हल्का। यू कैन सी थोड़ा सा डेंसिटी आ गया उसमें इसलिए, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा नीचे अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगाया लाइक आउटर कॉर्नर पे बस थोड़ा सा ताकि थोड़ा आंख को डेंसिटी मिल सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप मैं मस्कारा लगाऊंगी क्योंकि मस्कारा आपके आईज को थोड़ा और बड़ा दिखाता है और आपके आईज को थोड़ा पॉप आउट करवाता है। तो मस्कारा के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेरा मेबलिन का लास्ट सेंसेशनल मस्कारा। एक्सेस को वापस अपने ट्यूब में निकाल लेना तो आपके आईलैशेस को वो क्लंप कर सकते। यू कैन सी सिर्फ मस्कारा लगाने से आपके आईज में कितना डेप्थ और इंटेंसिटी आ गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। लिपस्टिक के लिए मैं वही लिपस्टिक यूज करी जो मैंने अपने गालों पे टिंट की तरह यूज किया था एंड इसे मैं अपने लिप्स पे हल्का हल्का डैप करूंगी क्योंकि डैप करने से आपके लिप्स पे बहुत लाइट पिगमेंट आता है। एंड मैंने अभी अपने लिप्स पे सिर्फ लिप बाम लगाया है। So yes guys, this is the final look. So yes guys, that was the whole video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा आपके लिए हेल्पफुल होता हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो आपकी कोई भी रिक्वेस्ट सजेशन या कुछ भी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो या और मैं इस बार रेगुलर होने वाली हूँ। आई होप सो, फिंगर्स क्रॉस। So yeah, thank you so much for watching. Till then.